मेरा सबसे बड़ा प्रणाम हमारे समाज के उस महान संत को जो आजादी से पहले समाज के बारे में इस बात का चिंतन करते थे कि समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार कैसे हो। उस विचार को जो वह चाहते थे कि जो समाज के अंदर कुरीतियां हैं वो कैसे समाप्त की जाए, उस विचार को जो वो चाहते थे कि समाज विभिन्न विचारधाराओं में बटा हुआ, विभिन्न व्यवस्थाओं में बटा हुआ, उनको कैसे किया जाए एक रूप, जिसमें धर्म के आधार पर सनातन धर्म, आर्य समाज, सिंधी जटिया, रेगर, मारवाड़ी, इस तरह के जो जितने भी घटक थे उनमें किस तरह से सामंजस्य बिठा के और उनको एक जगह किया जाए। उस महान शख्सियत को, संत शिरोमणि आदरणीय श्री ज्ञान स्वरूप जी महाराज को मेरा बहुत बहुत नमन। मेरा उससे भी ज्यादा विनम्र नमन उस शख्सियत को, उस संत पुरुष को, जिन्होंने अपनी कम उम्र के अंदर युवाओं के लिए एक प्रेरणा दी। उस शख्सियत में जो ऊर्जा से भरपूर थे और अपनी 36 वर्ष की आयु के अंदर समाज के अंदर जिस तरह से संघर्ष करके इस महासभा की स्थापना में अपना मूल जो एक विचार दिया और इस महासभा की स्थापना की, उस संत शिरोमणि को, जिनको हम आदरणीय श्री आत्माराम जी लक्ष्य के नाम से जानते हैं, उनके चरणों में भी मेरा बहुत बहुत नमन। मेरा नमन हिंदुस्तान की उस अथॉरिटी को, न सिर्फ हिंदुस्तान की बल्कि विश्व की उस अथॉरिटी को जिसको नॉलेज ऑफ सिंबल के नाम से पूरा विश्व जानता है, उस अथॉरिटी को जिन्होंने दलित वर्ग को, आदिवासी वर्ग को सम्मान का जीवन जीने की एक अवसर दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, आपको अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार दिया, जेवर पहनने का अधिकार दिया, और ऐसी जगह पे शिक्षा के सशक्त माध्यम से अपने समाज को एकजुट होके अपनी बात कहने का अधिकार दिया, बाबा साहेब अंबेडकर को मेरा बहुत बहुत जो वरदान हमें हस्त मिला हुआ है, कल्पना करिए आज भी यहां बैठे बैठे कि जब राज्यसभा के अंदर हमारा रिजर्वेशन नहीं है तो हमारा प्रतिनिधित्व कितना है। 1994 से पहले पंचायती राज में नगर पालिका के अंदर हमारा रिजर्वेशन नहीं था तो हमारे कितने सरपंच, वार्ड पंच और प्रधान प्रमुख आते थे। विश्वविद्यालय के अंदर रिजर्वेशन नहीं है उसमें हमारा प्रोफेसर्स के अंदर, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के अंदर, एसोसिएट प्रोफेसर के अंदर कितना हमारा भागीदारी है। मिलिट्री के अंदर हमारी कितनी भागीदारी है, वो व्यवस्था आज भी कायम है। जहां रिजर्वेशन हमारा नहीं है वहां हमारा प्रतिनिधित्व लगभग शून्य है, और जो रिजर्वेशन हमें मिला हुआ है उसको समाप्त किए जाने की जो चाल चल रही है, जिसके बारे में प्रोफेसर राजकुमार जी परवारिया ने बताया, ये हमारी एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। इसलिए बाबा साहब को जो अगर दलित वर्ग या आदिवासी वर्ग एक क्षण के लिए भी भूलता है तो वो बाबा साहब को कुछ जान नहीं पाया है। बाबा साहब का एहसान हम जिंदगी भर नहीं भुला सकते, सदियों तक नहीं भुला सकते, इसलिए बाबा साहब को बहुत बहुत प्रणाम है। जो 13 प्रस्ताव यहाँ आपके सामने रखे गए, उन 13 प्रस्तावों में जो कमेटी थी उनके अध्यक्ष हमारे उपाध्यक्ष श्री अशोक कुमार जी तोंगरिया थे, उनके टीम में घनश्याम जी दास अग्रवाल जो महासचिव, श्री जुगल किशोर जी मौर्य महासचिव, श्री रामावतार जी कुलदीप उपाध्यक्ष, श्री गोवर्धनवाल जी देवतवाल जो कार्यकारिणी सदस्य, प्रोफेसर राजकुमार जी परवारिया शिक्षाविद, गणपत जी मोहनपुरिया समाजसेवी, देवेंद्र जी बंद्रवाल हमारे समाजसेवी, तारा जी बैनीवाल जो राजस्थान प्रदेश की महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, और श्रीमती संधू सकरवाल जो एडवोकेट है,
इन्होंने समय दिया, लोगों से बात की, ये प्रस्ताव बनाए, मुझे पेश किए, उसके बाद मैं इन प्रस्तावों को मैं आपके सामने ला सका। मैं इस बारे में आप सभी टीम के सदस्यों का, इस कमेटी के सदस्यों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस आयोजन के लिए किन शब्दों में उन लोगों का आभार व्यक्त करूं जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में अपने पद का भी ध्यान नहीं दिया और एक कार्यकर्ता के रूप में काम करके और इस आयोजन को सफल बनाने में पिछले 2 महीने से अपना पूरा सहयोग दिया। आदरणीय श्री योगेंद्र जी चांदोलिया साहब किस तरह से आयोजन को करते हैं, किस तरह से संयोजन करते हैं, इसके ऊपर किसी को कोई शंका नहीं हो सकती। लेकिन सब लोगों को साथ लेके चलना और उनसे काम लेना और इस बात का भी ध्यान रखना कि जिनकी यथा स्थिति है उसको कायम रखे, उनके स्वाभिमान को कायम रखे, बहुत कठिन काम है। इतने बड़े आयोजन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, साधनों को लेके आती है, अर्थ को लेके आती है, पदों को लेके आती है, ईगो को लेके आती है और एक साथ बैठ के विचारों को लेके आती है। पर मैं मेरी महासभा के समस्त पदाधिकारियों को, चाहे केंद्रीय कार्यकारिणी के हो, चाहे प्रदेश कार्यकारिणी के हो दिल्ली के, चाहे युवा प्रकोष्ठ के हो, चाहे महिला प्रकोष्ठ के हो, चाहे राजस्थान के हमारे सारे महासभा के पदाधिकारी हो, चाहे मध्य प्रदेश के हो, सारे प्रदर्शक हो, मैं उनको वास्तव में मन से नमन करना चाहता हूँ कि उनके ही सहयोग से ये कार्यक्रम सफल हो पाया है और इस तरह से आप लोगों से रूबरू में हो पाया हो। तो योगेंद्र जी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारा काम, महासभा का काम, महासभा के पदाधिकारियों की तो ये ड्यूटी थी कि हम इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी सारी ऊर्जा और अपना सारी एनर्जी उसके अंदर डालें। मैं आज के जो हमारे विशेष मेहमान आए हैं, विशेष रूप से जो मुक्तेश जी गाडेगारिया साहब गोवा से चल के आए हैं, नरेंद्र जी बोलपुरिया यहीं हैं लेकिन वो भी अपना समय दिया, सीएम चांदोलिया साहब यहाँ पर स्थापित है लेकिन इन्होंने भी मुझे बार बार गाइड किया और कई बातें मुझे बताई जिससे मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मुझे सहयोग मिला। एकमात्र राजनीतिक व्यक्तित्व राजस्थान से आए श्री बाबूलाल जी सिंगारिया, जो अपने आप में एक ऊर्जा लेके आते हैं, जब मंच पे आते हैं तो अपनी बात कहते हैं, वो यहाँ आए, इन सभी का मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना समय निकाल के और यहाँ इस कार्यक्रम में पधारे। मैं कुछ बातें यहाँ और साफ करना चाहता हूँ, बहुत साफ मन से, कोई बायसनेस नहीं है, किसी का पक्षपात नहीं है। मैंने कोशिश करी कि हमारे जितने भी पूर्व राजनीतिज्ञ हैं, चाहे राजस्थान से हो चाहे दिल्ली से हो, उन सबको ये जो इनविटेशन है वो दिशा या भेजने की कार्रवाई की, उनके पास व्यक्ति से इनविटेशन गया, उसके बाद में मैंने फोन पे उनसे बात करी और मुझे जो रेस्पॉन्स मिला उसको मैं यहाँ शेयर नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी खट्टे मीठे अनुभव रहे। लेकिन मैंने अपनी ड्यूटी निभाई बतौर महासभा के अध्यक्ष के और हमारे जो रामचंद्र जी सुनारीवाल सिटिंग एमएलए हैं वो आना चाह रहे थे लेकिन उनका क्षेत्र के अंदर माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान का दौरा हो गया तो उन्होंने असमर्थता व्यक्त की। दूसरे हमारे जो हीरालाल जी एमएलए निवाई हैं उनका अनुभव मेरे लिए ठीक नहीं रहा और उन्होंने स्पष्ट बना कर दिया कि आप नेता बनना चाहते हो इसलिए ये कार्यक्रम कर रहे हो, मैंने उनसे हाथ जोड़ लिए। बाकी हमारे जितने भी साथी हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रेस्पॉन्स दिया, आना नहीं आना अलग बात है लेकिन ये महासभा का मंच है, ये समाज का मंच है, इसके अंदर आपको दुख पापी अगर आना होता है तो आना चाहिए। ये अवसर 21 वर्ष बाद में मिला है, 31 वर्ष बाद में मिला है और इस अवसर के अंदर ये एक ऐतिहासिक अवसर है और सदियों सदियों तक याद रखा जाएगा कि दिल्ली के अंदर ताल कटोरा में जो कार्यक्रम हुआ था उसके अंदर हमारी भागीदारी थी
उसमें इतने अच्छे अच्छे वक्ता है, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, इस तरह से शानदार तरीके से समाज का प्रदर्शन हुआ। और जो बिरला मंदिर से यहाँ तक जिस शान से समाज को आगे आने का मौका मिला, जिस शान से हम उसके भागीदार बने, ये बहुत जो है ना सालों तक याद किया जाएगा। इसकी भागीदारी जो नहीं कर पाए, मुझे लग रहा है कि उनको बहुत अफसोस होगा जब ये बातें बाद में याद की जाएगी। इन 13 प्रस्तावों में मैं एक साथ ही आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ लोग जैसे दिल्ली प्रांतीय रेगर पंचायत ने भी कुछ प्रस्ताव मेरे सामने दिए हैं, उनमें मूल प्रस्ताव की जो भावना है उनको हमने लिया है, लेकिन कुछ प्रस्ताव ऐसे हैं जिनको हम आगे और डिस्कस करके जो राजस्थान के अंदर वहाँ सम्मेलन करने की योजना है उनके अंदर हम इसको शामिल करेंगे, और भी साथियों के प्रस्ताव हम शामिल कर सकते हैं, वो अगर आप भेजेंगे तो उनको भी इसके अंदर अपनी कटकटा लेंगे। मैं आप लोगों से एक बात निवेदन करना चाहता हूँ कि समाज की शक्ति एकता में है, अगर आप बिखरे हुए रहेंगे तो अब तक का जो इतिहास है वो आपके सामने है। मंच से बहुत सारी बातें कही गई और उसको हम पालन नहीं करते हैं और सिर्फ बात ही करते हैं, तो सिर्फ बात करने से हमें कोई उपलब्धि हासिल नहीं हो सकती है। कोई कहता है कि रसगुल्ला मीठा होता है, रसगुल्ला मीठा होता है, मैंने कहा जी रसगुल्ला मीठा होता है, आपको भी कहा रसगुल्ला मीठा होता है, आपको भी कहा रसगुल्ला मीठा होता है, तो कहने से तो रसगुल्ला मीठा नहीं हुआ ना। मैं चाहे 1000 आदमी को कहूँ रसगुल्ला मीठा होता है, जब तक कि वो रसगुल्ला आप खाओगे नहीं, जब तक कि वो रसगुल्ला मुंह में नहीं आएगा तब तक वो मीठे का असर आपके ऊपर नहीं आएगा, आपको उसका स्वाद पता नहीं चलेगा। तो खाली विचार व्यक्त करने से नहीं होता है, समाज को एक होना चाहिए, समाज के अंदर जितने भी भेद है खत्म होने चाहिए, विभिन्न संगठन है जहाँ आवश्यक है वो रखें, लेकिन सिर्फ नाम के लिए संगठन रखते हैं उनको खत्म करना चाहिए। जो कुछ फर्क है राजस्थान में भी है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, सिंधी समाज और रेगर समाज, जटिया समाज, इस तरह से जो भेद है इन चीज़ों को अब खत्म करने की आवश्यकता है, इन चीज़ों को लंबा लेके नहीं चल सकते। ये आज से 25-30 साल पहले, 50 साल पहले की बात है कि रिश्तेदारी भी नहीं होती थी, आपस में बातचीत भी कम होती थी, क्योंकि बहुत सारे जो व्यवहार और बहुत सारे जो रीति रिवाज है उसमें भी फर्क होता था, लेकिन बाद में ये सारी चीजें खत्म हुई। तो अब किस बात को लेके हम भेद कर रहे हैं कि ये है तो रेगरी लेकिन जटिया रेगर है, सिंधी रेगर है, तो ये रेगरी लेकिन ये पश्चिमी राजस्थान का जटिया है, ये देशी जटिया, मारवाड़ी जटिया है। इन चीजों को जब तक खत्म नहीं करोगे तो जो एक भाग 3 टुकड़ों में हुआ हुआ है वो 3 टुकड़ों में रहेगा, उसको अगर बंद करना है तो अपने को एक मुट्ठी बंद करनी पड़ेगी। तो इस मौके पे मेरा सभी समाजवासियों से, पूरे हिंदुस्तान के समाज से निवेदन है कि इन भेदों को भुलाइए और समाज की एकता का जहां भी प्रश्न आता है वहां आप एक होइए और एक होके आगे बढ़िए। एक इसमें छोटा सा शेर है, वो मैं आपकी नजर करता हूं कि तुम उठो उठकर गिरा दो बीच की दीवार को, देखना आंगन तुम्हारा दो गुना हो जाएगा। आंगन को अगर दो गुना करना है तो आपको सिर्फ बीच में से दीवार हटाना है, और कोई लड़ाई झगड़े की बात है ही नहीं, क्योंकि सारे चाहते हैं कि हम एक हों। तो इस मौके पे मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इन मतभेदों को भुला के और एकजुट हुए और छोटे मोटे मतभेद सारे समाप्त करें। दूसरा मेरा ये निवेदन है कि ये जो 13 प्रस्ताव अपन ने लिए हैं उनमें मैं आपसे सभी से समर्थन चाहता हूं कि इन प्रस्तावों को हम स्वीकार करके अनुमोदन चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। अगर अनुमोदन चाहते हैं तो सारे हाथ खड़े करके इसको अनुमोदित मानिए। आप सभी के इस अनुमोदन से मैं ये समझता हूं कि हमारा ये जो सम्मेलन है वो बहुत बड़े मायने में सफल सम्मेलन माना जाएगा, और इसका सारा श्रेय समाज के समस्त हमारे साथियों को, हमारे महानुभावों को जाता है। केंद्र सरकार से और राज्य सरकारों से जो हमें एक ज्ञापन देना है वो ज्ञापन मैं बना के लाया हूं, और मुख्य अतिथि के सामने उस ज्ञापन को मुझे पेश करना है।
अब वो अवसर कब आता है इसके बारे में अभी हम बात करेंगे कि वो किस तरह से उसको पेश करें। उस ज्ञापन के अंदर मोटी मोटी यही बातें जो तेरा प्रस्ताव है उनको बड़ा विस्तृत रूप से लिखा गया है और उन्हीं चीजों को हमने एम्फेसाइज करके जिस स्तर पे उसका समाधान हो सकता है उसमें उनका उल्लेख किया गया है। मैं और ज्यादा बात नहीं कह के मेरे मन के जो उद्गार हैं आपके सामने पेश किए। इस कार्यकारिणी के द्वारा जो इन पिछले 2.5-3 सालों में प्रमुख प्रमुख काम हुए हैं उनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसमें से सबसे बड़ा काम जो हुआ है कि रेगर समाज का रेगर दिवस के नाम से कोई दिन नहीं था। हम ये हमेशा सोचते थे कि रेगर दिवस हम मनाएं तो किस तिथि को मनाएं, उस बात पे काफी चर्चा हुई महासभा के अंदर और हमने ये तय किया कि महासभा की नींव जिस दिन पड़ी है, जिस दिन हमारे स्वामी ज्ञान स्वरूप जी महाराज ने और आत्मानाथ जी लक्ष्य ने वो दिन तय किया महासम्मेलन का, वो था 2 नवंबर 1944 का जो दोसा के अंदर हुआ। तो निर्विवाद रूप से वो पहले दिन को हमने रेगर समाज के रूप में मान्यता देते हुए प्रस्ताव लिया और इस वर्ष जो 2017 का वर्ष था पूरे हिंदुस्तान में और विशेष रूप से दिल्ली के अंदर रेगर समाज का जो रेगर दिवस मनाया गया उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और वह किस्सा इस महासभा की कार्यकारिणी का सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं मानता हूँ। दूसरा अचीवमेंट इस बात का भी है कि कुछ धार्मिक कर्मकांड है उससे एकदम से निवृत्त नहीं हो सकते। एक हमारे साथी हैं श्री मुकुट बिहारी जी, उनका प्रश्न है कि आपने महासभा ने जो पन्नों से एग्रीमेंट किया है इसका मतलब कि महासभा इन कर्मकांडों पे विश्वास करती है, महासभा इन कर्मकांडों के साथ जुड़ा रहना चाहती है। देखिए पिछले 2000 वर्ष से हम बहुत सारी चीजों से जुड़े हुए हैं, जो चीजें आवश्यक नहीं है, जिन चीजों को टाला जा सकता है, जो चीजें आपका धन अपव्यय करती है, समय खराब करती है, उसके बाद भी हमारे घर के अंदर, हमारे कमरे के अंदर हमारा एक स्थान ऐसा तय कर रखा है जहां पर हम जो है इन चीजों को मानते हैं, जिसके लिए बाहर का कोई व्यक्ति आपको पाबंद नहीं करता। लेकिन ये जो चीज है जिसमें एक परंपरा चली आ रही है कि हमारे जो पूर्वज है या जो हमारे दिवंगत आत्मा है उनकी अस्थियां कहीं पवित्र स्थान पे अगर छोड़ते हैं, वो पवित्र स्थान आपकी मान्यता के हिसाब से कोई भी हो सकता है। जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का देहावसान हुआ था उससे पहले उन्होंने ये कहा था कि मेरी अस्थियां पूरे हिमालय पे, मेरी जो राख है ना हिमालय पे आप जो है वो फैला देना, ताकि जितने हमारे देश के प्रहरी हैं उनको ये इस बात का एहसास हो कि इंदिरा गांधी या प्रधानमंत्री देश की वो उनके साथ में। ये संदेश देने की बात है, विश्वास की बात है। वैसे ही ये विश्वास की बात है कि अगर अस्थियां पवित्र जल के अंदर प्रवाहित होती है तो अब उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन अस्थियां प्रवाहित करने जाते हैं तो तरीका तो ये है कि अस्थियां प्रवाहित करने जाओ तो 2 आदमी परिवार के जाइए और जहां आप चाहते हैं प्रवाहित करके आ जाइए। अब वहां पर भी कुछ लोगों ने अपना जीविका का साधन बना दिया, उससे किस तरह से बाहर निकलना चाहिए, वो व्यवस्थाएं कैसे तोड़नी चाहिए, वो सरल काम नहीं है, वो सरल काम नहीं है। इसलिए हमने, हमारे पास जब ये बात आई कि 2100 रुपये, 11000 रुपये, 5100 रुपये और पता नहीं बड़ी बड़ी अमाउंट जो है ना, वो उस आदमी को बेचारे जिसके माता पिता की डेथ हो गई है या किसी भाई की डेथ हो गई है उसको खड़ा करके और पानी में कहते पैसा दीजिए, तो कम से कम 1 रुपया उसके अंदर बने कि इससे ज्यादा पैसा आप नहीं लेंगे और उसको पाबंद किया गया था। तो ये समाज सुधार की दिशा में एक आगे कदम है जिसमें हम लूट से बचाना चाह रहे थे और पूरे देश के अंदर इस बात का प्रचार प्रसार किया गया है कि आपको लूट से बचना है तो 500 रुपये दीजिए। और अगर मैं इस मौके पे आप सभी से कहना चाहता हूँ कि अगर वो 500 रुपये में नहीं करता है तो आप वो जो अस्थि है प्रवाहित करके आ जाइए, जरूरत नहीं है उससे पूछने की, बोलो मैं तो कर रहा हूँ, तुम्हें लेना है तो ले, नहीं तो मैं तो प्रवाहित कर रहा हूँ। अब कोई नाम लिखाने की कोशिश करेगा उसको और कोई ज्यादा धार्मिक रूप से बनेगा
या आप चार पांच आदमी या एक बस लेके जाते हैं, 50 आदमी चले गए, अब हम तो हरिद्वार जा रहे हैं, 50 आदमी क्या करने की भी प्रोवाइड करने जा रहे हैं, तो आगे वाले को लगता है कि अगर कोई बाड़मेर से आया है, अगर कोई मध्य प्रदेश से आया है और एक बस भर के लाया है, तो भाई हम 500 रुपये में उसको क्यों माने, लाखों रुपए वो खर्च करके आ रहा है तो मुझे भी कुछ मिले, इस बात का असर उसके ऊपर होता है। तो इसको खत्म करने के लिए आपसे निवेदन है कि 2 आदमी से ज्यादा, जो कि हमारे प्रस्ताव में है, 2 से ज्यादा आदमी जाए ही नहीं वहां और बिना पूछे प्रोवाइड करके आपको आ जाइए, ये सारे धीरे धीरे सभी व्यवस्थाएं खत्म हो जाएगी। तो ये जो प्रस्ताव लिया गया है, ये इस महासभा का बड़ा एक जो है वो कदम है। तीसरा, जहां जहां महासभा को पता चला कि हमारे समाज के लोगों के साथ में अत्याचार हुआ, विशेष रूप से राजस्थान के अंदर, जिसमें कुछ घटनाएं ऐसे हुई जिसमें हम मौके पे गए, कुछ घटनाएं ऐसे हुई जहां पर हमारे बच्चों के साथ में जाती हुई, वहां पर महासभा के कोई ना कोई पदाधिकारी, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के हमारे पदाधिकारी है, वो वहां गए और उनकी उपस्थिति की वजह से उस मामले को हमने सुलझाया है और सरकार के सामने वो चीज़ें रखी है, सरकार ने हमारी बात मानी है, जिसमें जजावर कांड है, जिसके अंदर मानपुरा माचेड़ी कांड है, जिसके अंदर टोंक का एक कांड है, जिसके अंदर अभी जो एक कांड हुआ है सवाई माधोपुर का, वो है, ये चीज़ें हमने की है। तो महासभा का हमेशा ये प्रयास रहता है कि हम इन समाज की जो कष्टपूर्ण जहाँ पर भी व्यवस्थाएं होती है या इस तरह की कोई परिस्थितियां पैदा होती है, तो वहां जाएं और हम उनमें मदद करें। आज का जमाना सोशल मीडिया का जमाना है, हमारे पढ़े लिखे लोगों का जमाना है, वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारी बातें फिर सोशल मीडिया पे आती हैं। हमें ये पढ़ाया गया कि विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय आता है, नम्रता आती है, लेकिन सोशल मीडिया पे अगर हम बात देखते हैं तो उसमें कहीं विनय दिखती नहीं है। ये हमारे युवाओं के सामने चैलेंज है, ये हमारे पढ़े लिखे लोगों के सामने चैलेंज है कि हम इस किंवदंती को कि विद्या विनय को जन्म देती है, उस चीज की पालना करना सीखिए। अगर आप ज्यादा ज्ञानवान हैं, अगर आप ज्यादा ज्ञानवान हैं, अगर आप ज्यादा जानकारी रखते हैं, तो आप जितने विनम्र होंगे आपका व्यक्तित्व है उतना ही बड़ा होगा, और हल्की बातें, अपमानजनक बातें, बिना आधार की बातें, झूठी बातें, वो लिखना छोड़िए। मैं समझता हूँ रेगर समाज एक ऐसा समाज है जिसमें कुछ लोग जो भटक गए हैं, जो अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं, वो बिना तथ्यों को जाने इस तरह की बात फैलाता है तो लोग हंसते हैं। लोग ये कहते हैं कि एक तरफ तो रेगर समाज अपने आप को बहुत स्वाभिमानी समाज कहता है, दूसरी तरफ उस स्वाभिमान के अंदर अपने ही वरिष्ठ को, चाहे वो हमारे राजनीतिज्ञ हो, चाहे हमारे वो अफसर हो, चाहे हमारे वो व्यवसायी हो, चाहे हमारे वो समाज सेवा के अंदर बड़े लोग हो, उनके बारे में अपमानजनक टिप्पणी करता है। तो ये काय का स्वाभिमान है और ये काय का जो है ना पढ़ा लिखा वर्ग है, ये हमारे लिए बहुत चुनौती की बात है। अगर आप अपने घर के अंदर अपने बुजुर्ग को, अपने परिवार के बड़े आदमी को सम्मान करना नहीं जानते, तो आपकी पढ़ाई व्यर्थ है, उसका कोई बोल नहीं है। इस बारे में बहुत भारी चिंतन की आवश्यकता है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ और उन भटके हुए लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि ये गलत चीज़ें छोड़े और गलत कमेंट करना छोड़े, अच्छी चीज़ें लिखिए, काउंटर मत करिए, और कोई गलत है तो सकारात्मक सोच के साथ में आप सजेशन दीजिए। ये मुझे इस मौके पे कहना बहुत आवश्यक है और मैं समझता हूँ कि महासभा के अध्यक्ष के नाते आपने मेरे में जो विश्वास व्यक्त किया है, मेरी इस बात को आप मन तक ले जाएंगे और इसके अंदर आप सुधार लाएंगे। मेरे साथ 2-3 पर्ची भी आई है। एक बात ये आई थी कि साहब ये 6ठा सम्मेलन कैसे है, ये तो 8वां सम्मेलन होना चाहिए। मेरा इस बारे में मानना यह है कि राष्ट्रीय सम्मेलन वो सम्मेलन होता है जिसके अंदर पूरे भारत भर के सभी प्रदेशों के लोगों की भागीदारी हो और उस भागीदारी के अंदर इस तरह के प्रस्ताव तैयार करके और उस पर चर्चा हो।
तो उस मामले में जो दो सम्मेलन की बात आती है, मैं उनको राष्ट्रीय सम्मेलन की मान्यता नहीं देता, वो प्रांतीय सम्मेलन थे, वो प्रांतीय सम्मेलन थे और अच्छे सम्मेलन थे, उनमें भी विचार विमर्श हुआ। उन लोगों को भी धन्यवाद जिन्होंने ये प्रांतीय सम्मेलन आयोजित किए, वो भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। उससे भी बड़ा सम्मेलन अभी 11 सितंबर को शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर हुआ, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भीलवाड़ा छोटा सा कस्बा है, जब 8000 रेगर समाज के लोग उस पूरे कस्बे के अंदर रैली के रूप में निकले थे, तो जो आगे वाला सिरा था, जब पूरे शहर में घूम के आए तो पिछला सिरा वहीं खड़ा था, इतना बड़ा जो है ना वो वहाँ पे रैली हुई, और इसका मैसेज बड़ा जबरदस्त गया। और इसका मैसेज मैं इस मायने में भी मानता हूँ कि राजस्थान के अंदर कुछ जो ऑर्थोडॉक्स टोप के लोग हैं, कुछ अंधविश्वासी लोग हैं, वो लोग हमारे इस समाज के लोगों के साथ में अत्याचार करते हैं। उन जिलों में भीलवाड़ा जिला बड़ा है, वहाँ पर इस तरह की बातें होती है, बूंदी जिला बड़ा है उस तरह वहाँ बातें होती है, टोंक जिला है, और ये सब इर्द गिर्द वाले जिले हैं, चित्तौड़ में भी कुछ ऐसे मामले होते हैं। अगर हमने बूंदी के अंदर जजावर में बहुत बड़ी रैली निकाल के मैसेज दिया, तो उसके बाद में एक भी कांड ऐसा नहीं हुआ जिसमें मेरी रेगर समाज के किसी भाई बहन के साथ कुछ जाते हैं। उसी तरह से ये शाहपुरा के अंदर जो कांड हुआ, पहले एक बीच हंटिंग का हुआ था, इस मैसेज के बाद में एक मैसेज गया कि रेगर समाज इकट्ठा है, रेगर समाज समझदार है, रेगर समाज के ऊपर अगर किसी तरह की बात हुई तो ये सारे लोग एक है, हमारा प्रतिरोध करेंगे और आपको दंडित करने की पूरी व्यवस्था इनके साथ है और इनकी लीडरशिप है। तो हम उसमें कामयाब हुए। राजस्थान के बारे में ये जाना जाता है कि हमें ऐसा नेतृत्व चाहिए जो मीणों की तरह से हो, ऐसा नेतृत्व चाहिए जो गुजरों की तरह से हो। गुजर के अंदर जो अध्यक्ष हैं वो कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला है, उन्होंने अपना आरक्षण एसटी में लेने के लिए 75 आदमियों की बलि दी। कितने आदमियों की? 75 आदमी जो है ना गोली का शिकार हुए या वो अकारण मरे, और उस समाज के चेहरे पे शिकन तक नहीं है। इतनी बलिदान की बात अगर आती है तो समाज का नेतृत्व एक होता है। यहाँ पर तो एक बात करने पे भी 10 व्यूज आते हैं, इन चीजों को हमें सीखना चाहिए। मीणा समाज के अंदर डॉक्टर किरोड़ी मीणा ऐसा है जो जब रात को अगर 10 बजे भी वो आवाज लगाता है कि कल सुबह रोड जाम करनी है, या हमें इस आदेश के लिए या ये जो प्रॉब्लम हो गई है इसके लिए कलेक्ट्रेट का घेराव करना है, एसपी का ऑफिस का घेराव करना है, तो रात को 10 बजे का मैसेज सुबह 9 बजे वहां 50,000 आदमी जो है ना एक आवाज के पीछे आते हैं। ये ताकत जब तक हम पैदा नहीं करेंगे तब तक हमारी जो एक मैसेज है वो नहीं जा सकता है। तो लीडरशिप किसी की भी हो, लीडरशिप किसी की भी हो, उसको स्वीकार करना सीखिए, उसको मानना सीखिए। भेद हो सकते हैं, लेकिन जहां लगता है कि हमारे जो लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, सामाजिक लीडर हैं, उनके अंदर इस तरह की बात है, इस तरह के गुण हैं कि वो समाज को एक साथ लेके चल सकते हैं, तो उनके पीछे चलने का प्रयास करें और सारी चीज़ें उसके अंदर छोड़ें। इसी चीज़ों को लेके ये सम्मेलन होते हैं। मैं आप लोगों का बहुत बहुत मन से धन्यवाद करता हूँ और अपना वक्त भी इस बात के साथ ख़त्म करता हूँ कि मैं इस अविस्मरणीय दिन को जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। ताल कटोरा स्टेडियम के इस कार्यक्रम को कभी भूलने वाला हो नहीं सकता, और इसमें प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जिस जिस साथियों ने तन से मन से धन से विचार से जो जो मदद की है, मैं उन सभी को बहुत बहुत नमन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय रेगर समाज।